इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अजमेर शरीफ दरगाह में बंद की खबर आई है। इस खबर के बाद अजमेर शरीफ दरगाह को खाली करा लिया गया है। इस वक्त पुलिस वहां पर जांच कर रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ शरद कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, कैसे मिली इस बम की जानकारी और इस वक्त वहां पर क्या हालात है? ये पुलिस दरगाह थाने में से सूचना आई कि वहां पर बम रखा हुआ है और उसमें थोड़ी देर में विस्फोट होने वाला है, टाइमर लगा है। उसके बाद जैसा कि आईजी ने बताया कि वहां पर बम स्क्वाड सहित पूरे पुलिस कर्मियों को भेजा गया है। शुरू में ये भी बात उठी कि ये मॉक ड्रिल हो सकता है, लेकिन जो पुलिस अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि ऐसी सूचना आई थी इसलिए इस मॉक ड्रिल नहीं कर सकते हैं और हम लोग इसको पूरे सैनिटाइज कर रहे हैं। बम खोजने का काम जारी है, डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड सब कुछ सारे जो है दरगाह में पहुंच गए हैं। दरगाह को खाली करा लिया गया है और चारों तरफ आसपास के इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। जी, और शरद, अजमेर शरीफ एक ऐसी जगह जहां पर हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, ऐसे में वहां पर पूरी तरह से परिसर को खाली करा लिया गया? अजमेर शरीफ का दरगाह परिसर है उसको खाली कराया गया है। जितनी भीड़ रहती है उसको भीड़ को बाहर निकाला गया है क्योंकि लोग वहां पर सामान लेके अपना जाते हैं। ऐसे में सारे जो लोग हैं उनके सामान के साथ उनको बाहर निकाला गया है ताकि हर चीज को चेक किया जा सके निकलते वक्त और अंदर जाते वक्त। दरगाह शरीफ में पहले भी बम विस्फोट हो चुका है, ऐसे में पुलिस किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसी वजह से सर्च ऑपरेशन को पूरी तरह से किया जा रहा है। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अजमेर शरीफ दरगाह को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है, वहां पर बम की तलाश की जा रही है और बम मिलने की खबर से वहां पर हड़कंप मच गया है। बहरहाल